गौमांस की तस्करी करने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के तार गौ तस्करी की घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं। काशीपुर में गश्त के दौरान बांस फोड़ान चौकी इंचार्ज सुनील सुतेड़ी ने 40 किलो गौमांस के साथ अल्ली खान निवासी फरीद महबूब इब्राहिम और आरिफ को गिरफ्तार किया। ये अलग अलग प्लास्टिक के थैली में 10-10 किलो गौमांस को ऊंचे दाम में बेच रहे थे। पुलिस ने बताया चारों अभियुक्त काफी लंबे समय से गौ तस्करी का कारोबार कर रहे थे, जिसको मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने पकड़ा। आज सुबह हमारे बांसफड़ान चौकी इंचार्ज की अगुवाई में हमारी टीम द्वारा ये बांसफड़ान क्षेत्र में कब्रिस्तान के पास से चार लोगों को प्रतिबंधित मांस के साथ में गिरफ्तार किया गया है। उक्त मांस को चूँकि प्रतिबंधित है और संभवतः गोवंश का है, तो उसमें वेटरनरी डॉक्टर के माध्यम से उसका परीक्षण करवाया गया है और चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।